हेलो गाइस, वेलकम टू असर रिव्यूज़। होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू देंगे हेल्थसेंस के एक वेइंग मशीन का, जिसे आप बॉडी वेट या और किसी टाइप के वेट को नापने के लिए यूज़ कर सकते हो। इससे पहले मैंने वीनस वेइंग स्केल का रिव्यू अपने चैनल पे दिया था, एक बार आप उसे देख लेना। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। अब अगर आपका कोई बजट इशू है, क्योंकि ये है 1500 का, अगर आपका बजट 100,000 है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, वरना आप इस वीडियो पर बने रहिए। सो जल्द से जल्द आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए इसे पैकेट से निकाल लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसको पैकेट से निकाल लिया है। तो कुछ इस टाइप की इसकी पैकिंग है। यहाँ पे इसकी पिक्चर बनी हुई है अल्ट्रा लाइट पर्सनल्स के लोग के, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इसकी 1 ईयर की वारंटी है। ओके, और इसका एक बार पैकेजिंग देख लेते हैं। यहाँ पे प्राइस वाले 2300 है, बट आपको आराम से गाइस, मुझे 1500 में मिला, बट आई एम श्योर नॉर्मल डेज में ये अराउंड 1300-1400 का होता होगा। इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। उसके अलावा इसके कुछ इंपॉर्टेंट वाले पढ़ लेते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट, इसमें जी सेंसर है। ओके, ये फोर वेट वाला जी सेंसर होगा। नेक्स्ट, सेंसर है, ऑटोमेटिक है। आप जब भी आपका मन करे आप इस पर चढ़ जाइए और उसी वक्त ही ऑटोमेटिकली आपको का वेट बता देगा। ग्रेजुएशन 100 ग्राम का है। मैक्स वेट इसके 5 to 180 केजीज़ है। मिनिमम वेट 5 केजीज़ है। मैक्सिमम वेट ही 180 केजीज़ जो है नाप सकता है, बट आप 5 से नीचे भी नाप सकते हो। आप जैसे आप उस चीज़ को रखो और आप थोड़ा ज़्यादा अपने हाथ से वेट करो तो वो स्टार्ट हो जाएगा, तो वो 5 से नीचे भी मेजर कर देगा। वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करना है। LCD स्क्रीन ओके, स्किड प्रूफ है। इसका मटेरियल ऐसा है कि आप फिसलोगे नहीं। एरर इंडिकेटर है, या जब वेट एक्सीड हो जाएगा 180 केजी से ऊपर हो जाएगा तब इसका एरर इंडिकेटर चल जाएगा। यूनिट आपको केजी में, स्टोन में और पाउंड में आपको यूनिट्स इसमें मिल जाएंगी। ओके, बैटरी इसमें 2 लगती है 1.5 वोल्ट की। ओके ग्रेट, थिकनेस इसकी 30 mm है, मतलब 3 सेंटीमीटर थिक हो गए। जो मैंने लास्ट टाइम किया था वीनस का, वो 2 सेंटीमीटर का था सिर्फ, तो वो इससे ज़्यादा स्लिम था, बट वो ग्लास में था, ये ग्लास में नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और इसका लो बैटरी इंडिकेटर भी है, डेट्स रियली ग्रेट। दो लो बैटरी इंडिकेटर बहुत ज़रूरी होता है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये इसमें इसकी एक मैनुअल मिली है हमें। ओके, इसके मैनुअल में वही सब चीज़ें लिखी होंगी, जो चीज़ें लिखी होंगी मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता दूंगा। नेक्स्ट, इसका वारंटी कार्ड है, क्या लिखा है। ओके, वारंटी कार्ड में ओके वही सब इंफॉर्मेशन लिखी होगी जो यूजुअली होती है, बार कोड्स एंड ऑल। 1 ईयर की इसकी वारंटी है, सो दैट्स ऑल्सो गुड। उसके अलावा हम बड़े आराम से इसे खोलते हैं। ओके, सो द बेस्ट थिंग इन दिस इज ये ग्लास मटेरियल का नहीं, जो मैंने लास्ट टाइम वीनस का रिव्यू किया था वो ग्लास का था, बट ये ग्लास नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है गाइस, लाइक लिटरली ये बहुत लाइट वेट है। सो गाइस, हमने इसका बॉक्स अलग कर दिया है, सो जल्दी से इसको खोल लेते हैं। कूल गाइस, ये मतलब इसकी फिनिश काफ़ी बढ़िया है। ये ऊपर का ABS मटेरियल से है। इस मटेरियल के बारे में बताता हूँ, एक टाइप का प्लास्टिक ही होता है ABS, बट ये काफ़ी ज़्यादा अनब्रेकेबल और हार्ड प्लास्टिक होता है। सो आई डोंट थिंक ये बहुत आसानी से टूटेगा। सो अगर आपको ड्यूरेबल वेइंग मशीन चाहिए तो आप इसको तरफ जा सकते हो, वरना जो वीनस वाली लास्ट वीक 2-3 हफ्ते पहले की थी वो ग्लास की थी। ओके, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, अगर आपको पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ लो, वरना मैं वीडियो में आगे बता दूंगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए 4G सेंसर्स वाली टेक्नोलॉजी है इसमें। चार टाइप से सेंसर चार तरफ से हैं, और ये बैटरी वाला पार्ट है। इसे एक बार हम खोल के देखते हैं। ओके, सो जैसा कि आपने देखा 2 बैटरीज इसमें पहले से आई थी, दैट इज़ अमेजिंग। के अलावा ये एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट देखनी है कि यहाँ पे यूनिट्स का स्विच है। जैसे ये केजी पे अभी लगा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो आई डोंट नो, केजी पे सेट है। अभी जैसे अगर मैं दूसरी यूनिट पे करना चाहूँ, बस इस स्विच को मुझे दबाना पड़ेगा। अभी जैसे पाउंड पे हो गया, अब स्टोन पे हो गया, और अब केजी पे हो गया। सो अभी के लिए हम इसे केजी पे सेट करेंगे। ये इस पीस का एक काफ़ी खासियत है कि स्विच वाइज है, यहाँ पे कोई बटन नहीं है, आराम से आप स्विच से बड़ा इजीली नेविगेट कर सकते हो। ओके, सो
लाइक चीज़ ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल तो है ही, बट द थिंग इज़ ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। सो एक बार हम इसका वेट नाप के देख लेते हैं। वेट नापने के लिए एक चीज़ है कि सबसे पहले जब आप इसे ख़रीदेंगे तो आपको सबसे पहले इसे ऐसे थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, आप थोड़ा सा वेट लगाइए और इसे स्टार्ट कर दीजिए। ये कैलिब्रेशन के लिए होता है बस। फिर जब ये बंद हो जाए उसके बाद आप अपना वेट नापना शुरू कीजिए। मैंने इसे कैलिब्रेट कर लिया है, बहुत सिंपल है। आप ओके, ये बंद हो गया। थोड़ी देर, अगर आप थोड़ी देर की इनएक्टिविटी के बाद, आई थिंक 30 सेकंड्स की इनएक्टिविटी के बाद ये बंद हो जाता है। उसके अलावा हम एक बार इसके डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। इसका डिस्प्ले पर्पल कलर का डिस्प्ले है और काफ़ी सुंदर डिस्प्ले है गाइस। लाइक थोड़ा सा मुझे ये प्रीमियम डिस्प्ले लग रहा है, दिखने में लग रहा है। आई डोंट नो आपको कैमरे में समझ आ रहा होगा कि नहीं। और उसके अलावा इसके डिस्प्ले में, जैसा अभी हमने देखा, टेम्परेचर भी नाप सकते हैं। 30 डिग्रीज़ है यहाँ पे, टेम्परेचर लिखा 30 डिग्रीज और यूनिट लिखिए केजी में। उसके अलावा यहाँ पे आपका वेट आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रांडिंग लिखिए। उसके अलावा अगर आपको दिख रहा होगा वीडियो में, इसमें ग्रिड का डिज़ाइन है, तो ये डिज़ाइन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। आई थिंक दिख रहा है इसके जो सरफेस है उस पर स्क्वायर ग्रिड्स का डिज़ाइन है। सो गाइस ये देखिए, इसकी पूरी की पूरी कवर्ड बॉडी है। इस वाले पार्ट में आपके दोनों पैर आएंगे और इस टाइप से अपवर्ड कर्व है। यहाँ पे आपका जो डिस्प्ले है वो होगा। इस टाइप की साइड से इसकी बॉडी है, जो कि बॉडी, आई थिंक अगर आपको बॉडी वेट नापना है उस हिसाब से इसकी बॉडी काफ़ी बढ़िया है। बट अगर आपको बाकी वेट्स नापने, मान लीजिए आपको सिलेंडर का वेट नापना है या कुछ और, तो उसके लिए आई थिंक इसकी बॉडी नहीं है, बिकॉज ये कर्व्ड है, ऊपर से ये उठी हुई है। बट द थिंग इस डिज़ाइन का मेन बेनिफिट ये है कि आपका बॉडी वेट जो है बहुत परफेक्ट आएगा। सो गाइस एक बार इसके बॉडी वेट नाप के देखते हैं, बिकॉज मैं बहुत काफ़ी एक्साइटेड हूँ इससे, क्योंकि इसका बाकी जो ओवरऑल बिल्ड है वो काफ़ी अच्छी है। मुझे देखते हैं इसका वेट कितना प्रिसाइज आता है। सो मैंने सुबह अपना वेट नापा था अराउंड 54 किलोस 500 ग्राम के अराउंड था वो। तो अभी देखते हैं कितना होगा, थोड़ा सा तो ज़्यादा या कम होगा। ओके, इट्स शोइंग 54.7 ग्राम्स। सो 200 ग्राम सुबह से ज़्यादा दिखा रहा है। ठीक है, 200 ग्राम में से आप कुछ खाना वगैरह खाया है या जो भी और चीज़ें होती हैं, और अगर 100 ग्राम का भी इसमें वेट ज़्यादा दिखा रहा है, 100 या 200 ग्राम का, सो दैट इज़ नॉट अ वेरी बैड थिंग फॉर अ वेइंग स्केल। सो आई थिंक इट्स क्वाइट गुड इन टर्म्स ऑफ दैट। सो गाइज मैं आपको आलू का एक बार वेट नाप के दिखा देता हूँ। ये देखते हैं कि ये मशीन वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए सूटेबल है कि नहीं। ओके, सो हाँ, इसकी 5 केजीज की एक लिमिट है, मिनिमम लिमिट। 5 केजीज से नीचे कोई वेट होगा तो ये नहीं चलेगा। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। आप अपनी थोड़ी सी फोर्स लगा के इस मशीन को स्टार्ट कर दो बस, फिर ये वेट नाप लेगा। ओके, अब आप छोड़ दो। सो ये कितना दिखा रहा है, 0.4 केजीज, दैट मीन्स 400 ग्राम। ओके, ये आलू मैंने अभी अभी नापा है, ये सारे आलू 450 ग्राम्स के हैं एक दूसरी मशीन पे। सो एक तरह से ये 50 ग्राम्स का जो है गलत बता रही है, तो मे बी वो मशीन, उस मशीन में कुछ एरर्स हों, ज़्यादा एक्यूरेट ना हो। सो आई थिंक ये वेजिटेबल के लिए ठीक ही है, भले ही इसका सरफेस कवर्ड है, बट जो भी वेट है ऑब्वियसली वो चार पार्ट्स में तो जाहिर है। बट द थिंग इज ये सिलेंडर के लिए नहीं है, सिलेंडर का वेट आप इसमें नहीं नाप सकते। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पिछली वीडियो में मुझसे पूछा था कि आप कोई ऐसा बता दो जिसमें सिलेंडर का हो जाए। सो यार ये वाला जो पीस है इसमें आप सिलेंडर का वेट नहीं नाप पाओगे, बट जो पिछला वीनस वाला है उसमें आप सिलेंडर का वेट नाप सकते हो। एक कपड़ा ऊपर रख लो और सिलेंडर का वेट आराम से नाप लो। सो गाइज कंक्लूजन देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इस वक्त मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो गाइज इन कंक्लूजन मैं आपको इस प्रोडक्ट के प्रोज और कॉन्स बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रोज से। सबसे पहला प्रोज, ये बहुत लाइट वेट है गाइज, लिटरली मुझे लग नहीं रहा ये वेइंग मशीन है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और ईजिली कहीं भी आप इसे कैरी करके ले जा सकते हो, ये काफ़ी लाइट वेट है। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट प्रोज ये है कि इसकी बॉडी बिल्ट काफ़ी अच्छे मटेरियल से बनी है, एबीएस मटेरियल से बनी है, ये अनब्रेकेबल मटेरियल है। थर्ड पॉइंट, इसका जो डिज़ाइन है वो आपकी बॉडी वेट रीडिंग के लिए काफ़ी प्रिसाइज रीडिंग आए। इस हिसाब से इसका जो डिज़ाइन बना रखा है इन्होंने, जो जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया है, इसका कर्व डिज़ाइन है, तो बॉडी वेट आपका पूरा इन दोनों पार्ट्स में आए उस हिसाब से इसका डिज़ाइन है। तो अगर आप सिर्फ बॉडी वेट के लिए ले रहे हो तो इसके प्लीज इसे ले लो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज उस काम के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डिस्प्ले लग रहा है। स्क्रीन भी इसकी बड़ी है, एलसीडी स्क्रीन, और डिस्प्ले भी ओवरऑल प्रीमियम है।
लास्ट इसका प्रोस का पॉइंट ये है कि आप इसे हाँ ऑब्वियसली बॉडी वेट के अलावा फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को नापने के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, अब हम इसके कॉन्स पे आते हैं। तो इसका सबसे पहला कॉन जो मुझे लगा है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आई डोंट नो ये प्रॉब्लम मेरे यूनिट के साथ या किसी और के साथ है, बट इसके सेंसर्स जो है ना ये हिल रहे हैं, सारे के सारे सेंसर्स हिल रहे हैं। अगर मैं इसे थोड़ा हिलाऊँ, सी जो आपको आवाज़ आ रही है वो इन सेंसर्स की आवाज़ है, ये इंटैक्ट नहीं है, थोड़े लेफ्ट राइट अगर आपको इसे हिलाओगे तो हिलेंगे। सो आई डोंट नो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, पर वेट तो सही दिखा रहा है, तो आई थिंक ये इसकी बॉडी ही ऐसी है जो मुझे थोड़ा सा लाइक यू नो चीप जस्ट चीप सा लगा कि अगर आप इसे हिला रहे हो इसके सेंसर्स हिल रहे हैं। इसका नेक्स्ट कॉन ये है कि आप इससे सिलेंडर का वेट नापने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सो कुछ लोग होते हैं जो वेइंग मशीन यूज़ करते हैं सिलेंडर वगैरह का वेट नापने के लिए, तो वो इसमें नहीं हो सकता बिकॉज इसकी बॉडी उस टाइप की नहीं है, सिलेंडर इधर उधर गिर जाएगा आपका। सो गाइज मैं आपको एक बार इसका क्विक कंपैरिजन दे देता हूँ जो मैंने पिछला वाला रिव्यू किया था वीनस वाला जिसकी ग्लास बॉडी है। सो तीन पॉइंट इसके और वीनस वेइंग मशीन के कंपैरिजन की। सबसे पहले पॉइंट वीनस वाला जस्ट इसके हाफ प्राइस पर है, वो 800-900 का मिल जाएगा। ये मैंने 1500 पे लिया है तो आपको 1400-1800 का ही मिल जाएगा। सो एक तरह से इसका प्राइस उससे जस्ट डबल है। नेक्स्ट पॉइंट ये बॉडी मटेरियल, वो ग्लास है, आराम से टूट जाएगा, बट इसकी अनब्रेकेबल बॉडी है जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही हार्ड प्लास्टिक है, ABS मटेरियल का है। थर्ड पॉइंट है प्रिसीजन का, मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा बॉडी वेट ज़्यादा प्रिसाइजली मेज़र कर रहा है उसके मुकाबले। उसमें कभी कभी ऐसे इश्यूज़ भी आते थे कि 5-6 बार रीडिंग्स ही बिल्कुल अलग आ रही हैं, तो उसमें ये इश्यूज़ इस वाले में ये इश्यूज़ नहीं है। मुझे हर बारी जब मैं वेट नापता हूँ तो मुझे उतना ही वेट इसमें दिखता है, और मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज मशीन है बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन। सो गाइज ये था हेल्थसेंस ब्रांड का वेइंग मशीन 500 या 600 के अराउंड, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको पसंद आए तो आप ले लीजिए। सो गाइज डेट्स इट, प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपकी कोई डिमांड है, आपको किस टाइप का प्रोडक्ट हमसे रिव्यू करवाना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए, और कमेंट सेक्शन में ना मैं आपको बता दूंगा कि ये प्रोडक्ट कब ख़राब हुआ है। तो जब आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिए, अगर उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर ख़राब हो चुका है तो आप आइडिया लगा सकते हो। अगर नहीं लिखिए कोई कमेंट तो ऑब्वियसली वो अभी तक चल रहा है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।